कि मैं इतनी काली क्यों लग रही हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हे प्रिया, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो आज हम आ गए हैं फिर से एक नया चैलेंज रिकॉर्ड करने, क्योंकि पुराना चैलेंज जो था वो तो आपने देख लिया, नया तो देना ही पड़ेगा ना। और हम किसके साथ कर रहे हैं आपको ऑब्वियसली पता है, हमारी प्रियंका। हाय गाइस, आज हम क्या कर रहे हैं मैडम? हम आज करने वाले हैं नया चैलेंज, जो कि है जो तो जाने पहेलिया, जो कि मैं इसे पूछूंगी और इसे मुझे आंसर देना है। देखते हैं इसमें कितना दिमाग है। बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि ओवरफ्लो हो रहा है और वो खत्म हो चुका है, फ्लो के बचा ही नहीं है। ओके, सो आज हम करने वाले हैं चैलेंज जो तो जाने। अब देखते हैं कि कितना मैं जान पाती हूँ और ये कितना मुझे बुझा पाती है। चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। वी आर बैक, रेडी? प्रिया रेडी है? चलो घर चलते हैं। नहीं, घर नहीं चलते, आंसर देने चैलेंज है। ओके, रेडी? यस, बिल्कुल। अगर आप लोगों को भी आंसर्स पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। प्रिया में तो पता नहीं कितना दिमाग है, नहीं है वो पता चल जाएगा। मैं ना बता देना कमेंट, तो आप लोग जरूर बता देना। इसकी हिंदी तो बहुत अच्छी थी, बहुत ज्यादा गाइस। चलो तो रेडी, फर्स्ट क्वेश्चन। प्रथम कटे तो दर हो जाऊं, अन कटे तो बंद हो जाऊं, केला मिले तो खाता जाऊं, बताओ मैं हूं कौन? I know this. केले का एक ही शौकीन है भाई। कौन? मैं बाद में बताती हूँ। पहला चीज, मैडम ऐसे बात बोल ऐसे रही थी ना, वो अपने उस प्राइमरी सेक्शंस में टीचर्स स्टोरी सुनाती है, ऐसा हो तो ऐसा हो, ये बिल्कुल वैसी साउंड कर रही थी। तो बिल्कुल क्वेश्चन समझ में आना चाहिए ना। तो प्रिया इतनी खुशी से उछली है आंसर, इसको पता है ऐसा लग रहा है, पर ऐसे क्योंकि क्योंकि वो बताती हूँ, क्योंकि वो भी ऐसे ही उछलता है। हाँ, बंदर देखा, इसका मतलब ये बंदर है, समझ रहे हो आप? क्योंकि गाइस इसने दो तीन तीन सेंटेंस बोले। फर्स्ट क्या था? फर्स्ट था बंद हो जाओ, केला मिले। फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट लाइन क्या? प्रथम कटे तो दर हो जाओ। दर बंदर में से ब कटेगा तो क्या बचेगा? दर। फिर सेकंड लाइन क्या थी? अंत कटे तो बंद हो जाओ। दर कट जाएगा तो क्या बचेगा? बंद। हाँ, और दोनों को मिला तो क्या बनेगा? बंदर। और उसको पसंद क्या है? केला। इट्स स्मार्ट, बेबी स्मार्ट। हाँ हाँ, देखते आगे। चलो चलो, अब ये एक ही क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चन में इतनी खुशी गाइस, कुछ ज्यादा ही उछल की तरह, बंदर की तरह उतर, एक्साइटमेंट लेवल ये देख रहे हो गाइस, कितनी खुशी हो। अब मुझे ऐसा लगता है दूसरे क्वेश्चन, ऐसा लगता है इतना तो एग्जाम में भी पास होके खुश नहीं हुई होगी। अब मुझे ऐसा लगता है दूसरे क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं आएगा। नहीं नहीं आएगा गाइस, चलो खुद ही बता रही है, मतलब इसको हारने का शौक है। मुझे पता है प्रिया का, अरे मैं तुझे हारने नहीं दूंगी यार, मैं तेरी दोस्त हूँ। चलो ऐसे मत बोलो, लोग सोचेंगे हम चीटिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, लोहा खींचू ऐसी ताकत है, पर रबड़ मुझे हारता है, खोई सूजी सुई मैं पा लेता हूँ, मेरा खेल निराला है। मेरे को बोला था दूसरे क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं आएगा, लेकिन प्लीज रिपीट। यस, फिर से जाना पहचाना लग रहा है, रिपीट। लोहा खींचू ऐसा ऐसी ताकत है, ठीक है, आयरन को अट्रैक्ट करता है। हाँ, चुंबक। गाइस भाई तू कहां से ढूंढ के लाई है इतने इजी? वेरी गुड प्रिया, वेरी गुड, वेल डन। इतने इजी इजी क्वेश्चंस कहां से ढूंढ के लाई? जा, मेरी माँ आगे और है आगे। ये दो मैं दो के आंसर सही दिए, अब थर्ड आंसर। मैंने क्या बोला था गाइस आपको, किसे हारने को बहुत शौक है, ये मुझे हारते हुए नहीं देख सकती, इसलिए इजी इजी ढूंढ के ले आती है हर बार। चलो नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। थोड़ा हार्ड पूछते हैं, एक्सप्रेशन हारने के देख लो। नहीं नहीं गाइस, ओवर एक्साइटमेंट नहीं होना चाहिए प्रिया, गलत बात है ये। चलो चलो पूछे, तीसरा क्वेश्चन है हमारा। तीसरा कौन सा क्वेश्चन है? हाँ रेडी। एक पुरुष है, चार नार, इनमें है प्यार अपार, कभी लगते हैं यह मार, कभी लगते हैं यह मार, करते फिर भी सबको प्यार। देख,
एक पुरुष ठीक है, चार नार, इनमें है प्यार अपार, बहुत सारा प्यार है, कभी लगते हैं यह मार, ठीक है, करते फिर भी सबको प्यार। गाइस ओवर एक्साइटमेंट लीड टू बी गाइस, पता है आपको, एक लड़का और चार लड़कियां, समझ जाओ, एक लड़का चार लड़कियां, देख वो है ना हमारी लाइफ में डेली यूज में है, ठीक है, उसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा, और वो नहीं होगा तो हम चीजें कैसे उठाएंगे, रखेंगे, करेंगे सब चीजें। सो उठाएंगे इट मींस बेसिकली अपने बॉडी का पार्ट है। यस, वापस बोल क्वेश्चन। एक पुरुष चार नार, इनमें है प्यार अपार, कभी लगते हैं यह मार। ये सही बता, पहले बता ये क्या है, उंगलियां। हाँ करेक्ट आंसर इज उंगलियां, एक थंब और चार फिंगर्स, तो ये हुए। इसको वोट नहीं करना है गाइस, वोट कमल को करना है। सो तीन आंसर करेक्ट। नेक्स्ट, कैसा अजीब सा लगा, एक एक पुरुष, एक पुरुष है ना, हाँ, एक चार पुरुष, चार नार, ये मतलब ये लेडीज है, ये जेंट्स है। वाह, क्या हमारे बॉडी पार्ट को भी जेंट्स लेडीज का वो अलग अलग जेंडर कर दिया है। कुछ भी मतलब कुछ भी, पर मुझे पता नहीं था तुझे इतना इजीली पता। तू ऐसे ऐसे कर रही थी तो बॉडी पार्ट्स पे ध्यान चला गया। देखा गाइस मैं कितने इजीली मैंने भी हिंट दिया था। चल चल चलो, कितने क्वेश्चंस हो गए, अभी चौथा क्वेश्चन। गाइस जीत की तरफ बढ़ती हुई प्रिया। नहीं, अभी चौथे क्वेश्चन का आंसर देने के बाद, बिकॉज मैंने भी चार क्वेश्चन के आंसर दिए। चलो रेडी गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ। जब ये जलते हैं तो रोते हैं, सब इन्हें जलाकर खुश होते हैं। बहुत इजी है मेरे ख्याल से। जब ये जलते हैं तो रोते हैं, हाँ, और उसको जला के सब खुश होते हैं। हाँ। अगरबत्ती। नहीं, अगरबत्ती जलाते तो वो तो रोती है, ठीक है, लेकिन हम उसे देख के खुश तो नहीं होते। गाइस सोचो ऐसा क्या है जिससे देख के हमें बहुत खुश। लोगों के दिल। यार दिल तोड़ने की बात नहीं हो रही है, कंट्रोल योर इमोशंस। और यार देख वो रोता है वो समझ आ गया। हाँ। हम किस चीज को देख के खुश होते हैं, वो मेन सीन है। एक क्लू देती हूँ, साल में एक बार आता है, उस टाइम पे हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं उसको जला के। देख ऐसे तो बहुत सारी चीजें आती है। चल साल में मेन होता है वो उस दिन के लिए वो, और वैसे तो हर छोटी छोटी फेस्टिवल्स और क्रिकेट होते हैं तो पटाखे। करेक्ट आंसर। ऐसा क्लू देने वाला बंदा सबके पास होना चाहिए। देखो गाइस मैं कितने अच्छे से हेल्प करती हूँ। गाइस मैंने भी की थी ये पर द थिंग इज ये थोड़ी सी मोटी बुद्धि है। तो गाइस हमारे चार क्वेश्चंस का आंसर इसने दे दिया। और देखो द थिंग वाज कि हमने एक दूसरे को 6-6 क्वेश्चंस ढूंढने बोले थे, पर मैंने 6 दिए थे जिसमें से मैडम ने 4 के आंसर दिए थे। अब ये 6 क्वेश्चंस में से 2 बाकी है। लेट्स सी, अगर प्रिया ने चौथे क्वेश्चन के बाद 5वें क्वेश्चन का आंसर दे दिया तो ये जीतेगी, अगर नहीं जीती तो फिर मैं 6ठा क्वेश्चन इसको पूछूंगी, वरना 5th क्वेश्चन पे हम स्टॉप कर देंगे, क्योंकि आपकी प्रिया जीत जाएगी। और कौन सी वाली प्रिया जीतेगी वो पता नहीं। ओके लेट्स सी, टाई होता है या ये जीतती है। रखी टाई तो हो चुका है, आई एम वेरी हैप्पी मैडम कि एटलीस्ट इट्स टाई। यो ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। रेडी? नहीं। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार कोनों का नगर बना, चार कुएं बिना पानी, चोर 18 उसमें बैठे लिए एक रानी, आया एक दरोगा सबको पीट पीट कर कुएं में डाला, बताओ क्या। अबे पुलिस स्टेशन में चार कुएं, दरोगा दरोगा कहाँ होता है, दरोगा तो वहीं पे होता है, और कहाँ होता है। हमें नाला है चार को हो गया थोड़ी ना रखे होंगे पुलिस स्टेशन में, कभी देखे चार को है? चार टेबल होते हैं ना, टेबल ऐसे वो जैसे जितने वो लोग होते हैं उतने तो चार थोड़ी ना होंगे, उससे ज्यादा भी होते हैं, उससे कम भी होते हैं। यार बादाम खा के ना। नहीं अभी खाऊंगी जाके अगली बार के लिए। सो गाइस ये हमारा क्वेश्चन है 5th वाला, अगर ये आंसर देती वापस रिपीट कर, ठीक है,
गाइस बताओ मुझे, आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में, अगर आपको आपको अगर पता चल गया तो मुझे बता दो फटाफट से, मैं देख तो पाऊंगी नहीं लेकिन मैं देखूंगी कितने लोग स्मार्ट हैं मेरे जैसे, क्योंकि मेरे जैसे क्या चार कोनों का नगर बना, ठीक है, चार कोनों का नगर बना, ठीक है, चार कुएं बिना पानी, चार कुएं बिना पानी, गांव क्या है भाई ये? ओके ओके हाँ, फिर चोर 18 उसमें बैठे लिए एक रानी, 18 चोर है उसमें एक रानी को लेके बैठे हुए, साले कितनी शादियां की थी इन्होंने, अबे चोर, अच्छा ओके, चोर एक को लेके पकड़ के बैठे, आया एक दरोगा, ठीक है, सबको पीट पीट कर कुएं में डाला, बताओ क्या, उन सबको पीट पीट के 18 जो चोर थे उनको पीट पीट को उनको सब को डाला कुएं में, कोई राजा था, दरोगा था ना, अच्छा मतलब कोई दरोगा था, हाँ। तो उसे कोई राजा महाराजा का नाम तो नहीं है ना, नहीं, ठीक है, उसने पीट पीट के समझ नहीं आ रहा, डाला उसको कुएं में, अब बची क्या रानी एक, बचाने के लिए गया बेचारा दरोगा, उसको कितनी हेल्प करते ना लड़के लड़के कमेंट करो इसे, तुम्हें पता होना चाहिए इसका आंसर, इसका आंसर तो लड़कों को जरूर पता होगा, मुझे नहीं पता तुम बता दो, मुझे नहीं पता सीरियसली, नहीं पता, आर यू श्योर गाइस, इसको इसका आंसर नहीं पता, मेरे को सुनना है थोड़ा, अच्छे से बोलो, मुझे अच्छा लगता है, अभी मैं हार ही नहीं हूँ, चल चल बता तो सही, हाँ, क्या? मुझे इसका आंसर नहीं पता, हाय हाय मेरे कान कितनी देर से ये सुनने को तरस रहे थे, वाओ इतनी उछल उछल के, इसका आंसर है कैरम, ओह शिट, चार कोने चार कुएं 18 गोली होती है उसमें और एक रानी, मैं नहीं खेलती ना इसलिए मुझे नहीं पता, अब मुझे पता तो नहीं, मैंने कभी नहीं खेला, पर इतना नॉलेज होना चाहिए मुझे यार, शिट कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वी हैव सिक्स्थ क्वेश्चन और ये हमें जीतना है, लेट्स गो गाइस, इसने आंसर दे दिया तो लेट्स सी, यहां तो मेरी धड़कनें ऊपर नीचे हो रही है क्योंकि मेरी भी हो रही है, अब तो अब मुझे जीतना है, अब मैं तलवारें निकाली जाए, मेरा साथ देना, तलवारें निकाली जाए, बोलो नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं प्रिया इसका जवाब देती है या नहीं, दे दूंगी गाइस डोंट वरी, जवाब जैसे अभी दिया जवाब, तो हमारा सिक्स क्वेश्चन है, एक ऐसा शब्द बताओ जिससे फूल फल और मिठाई बनाई जाए उससे फूल फल और मिठाई बन जाती है, मतलब उस शब्द में सब कुछ आता है, ऐसा ऐसा कौन सा एक शब्द है जिसमें फूल फल और मिठाई आती है, मेरे नाम को सब में जोड़ दिया जाए प्रिया कौन सा फूल है भाई, प्रिया कुछ प्रिया मुखी करके कोई फूल होगा, हम अलग ही इन्वेंशन कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के ओके सो एक ऐसा शब्द, ये मैंने कहीं सुना था रिसेंटली, कहीं पे टीवी पे कहीं पे सुना तो था, पर दिक्कत ये थी कि मैंने उसका आंसर नहीं सुना, देखा ऐसे लोग होते हैं गाइस टीवी okay. देखने के बाद लेट्स थोड़ा सा फोकस, हमें जीतना है इसका, हमें हिंट दो, नहीं रुक जा पहले मुझे सोचने दे, तूने क्या बोला, ऐसा एक शब्द जिसमें फल फूल फल मिठाई आता है, बच जाता है, मिठाई फल 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 नहीं, पहले फूल फल और मिठाई, गुलाब जामुन, मम्मी दूसरे रूम में टीवी देख रही थी तो मेरे कानों में शायद यही शब्द गूंजा था, क्या ये सही है, प्लीज मेरे कान तरस रहे डांस करने, मेरे पैर तरस रहे, अब बताओ मैं आंसर बताओ नहीं बताओ, दिमाग क्या लगता है गलत है आंसर या सही, जल्दी बताओ मैं डांस करूंगी यार, देख मुझे तो ऐसा लग रहा है तू हार गई, बट अरे हार क्या गई, मुझे पता है मैं सही हूँ, गुलाब जामुन गुलाबी, अच्छा ठीक है तो जीत गई, बस आंसर इज राइट, सो गाइस ये थे हमारे छह क्वेश्चन के साथ में प्रिया जीत गई है इस चैलेंज में, मैं हार गई हूँ,
अब मुझे क्या दिला रही है बता जल्दी. मैं जल्दी बताऊंगी अगले वीडियो में. सो गाइस आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो, कैसे लगा बताना, और डू लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कौन से चैलेंजेस चाहिए वो भी बता देना. ठीक है, बाय बाय.